हेलो गाइज, वेलकम बैक मिस्टर सुप गेमिंग में। गाइज आज हम GTA 5 में ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं और ऑफ रोडिंग आज हमारी एक ट्रक के साथ होने वाली है जिसका ट्रेलर काफ़ी बड़ा है और भाई ये देख सकते हो आप हमारी वीडियो में। और ये जो ट्रेलर है ना गाइज, ये जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होता है, लेकिन इस वक्त हमने इस ट्रेलर को फिलहाल के लिए खाली रखा हुआ है। और काफ़ी बड़ा ये ट्रक है, इसके 3 टायर पीछे हैं, बाकी तो आगे तो नहीं है। और आगे हमारा ये ट्रक खड़ा है, इसका नाम पैंथम है। और लेकर के चलते हैं, आज हम इसकी ऑफ रोडिंग जो है गाइज इस ऊंचे पहाड़ के बीचों बीच करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या ये ट्रक इस ट्रेलर को खींच पाएगा या नहीं। और फिलहाल हम बैठ चुके हैं अंदर और लेकर के चलते हैं इसको ऑफ रोडिंग के लिए। लेकिन उससे पहले मैं अपने ट्रक को स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मेरा ट्रक भी स्टार्ट हो चुका है। और गाइज अब देखो ये कितना बड़ा ट्रक लग रहा है, पता नहीं ये जा पाएगा भी या नहीं वहाँ पर, क्योंकि जो पहाड़ों के बीचों बीच रास्ते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और ये मुड़ पाता है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं इंटीरियर में बैठ जाता हूँ इसके और इंटीरियर भी आपको दिखा देता हूँ। इंटीरियर फ़िलहाल के लिए इस वक्त ये है हमारा, और तो नहीं दिखा रहा है इंटीरियर ज़्यादा, तो मैं साइड कर लेता हूँ और इसको लेकर के चलता हूँ। मुझे इन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच लेकर के जाना पड़ेगा। और भाई मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रक है वो निकल चुका है। और भाई एक मिनट, मैं यहाँ से लेकर के जाऊँ, आगे से हम मुड़ाते हैं इसको। वेट, अब शायद हो सकता तो यहाँ से मुड़ जाए जो ट्रेलर है, मैं देख लेता हूँ एक बार, मुड़ जाएगा हमारा ट्रेलर। हम काफ़ी दूरी से लेकर के आए हैं इसको, ठीक है। हमारा रास्ता भी आने ही वाला है जो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए है। फिलहाल भाई पुल आ चुका है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये पुलिस कहाँ से आई भाई, हमारे पीछे आ रही है क्या? ओए सालो, तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो यहाँ पे? मुझे देख करके चलना पड़ेगा यार आगे को भाई, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे। और गाइस यहाँ हम पहाड़ों के बीचों बीच आ चुके हैं। फिलहाल हमारा जो रास्ता है गाइस सामने ही हमें दिख रहा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड पर जो रास्ता है ये हमारा पहाड़ों के बीच जाने का रास्ता। और पता नहीं ये ट्रक इस ट्रेलर को खींच पाएगा भी या नहीं, क्योंकि ये ट्रेलर काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से हमारी जो चढ़ाई है वो शुरू होती है, और मुझे ज़्यादातर बैठ करके ही इस ट्रेलर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर आउटर इसका कैमरा करूँगा तो मैं देख नहीं पाऊँगा सही तरीके से। और भाई ये देखो, मैंने कहा था छोटे छोटे यहाँ पर रास्ते हैं और ये मुड़ नहीं पाएगा। और ये देखो पत्थर को भी तोड़ डाला भाई, इतना भारी भरकम है। और ये हमारी ट्रेन भी यहाँ से गुजरी और ट्रेन के नीचे से हम यहाँ से निकलेंगे। और भाई मुझे ट्रेलर को देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलर काफ़ी बड़ा है और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और ये देखो गाइस, बहुत ही संभाल करके निकालना पड़ेगा मुझे यार। और हमारा जो रास्ता है वो ऊंचाइयों को छू रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे देखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। फिलहाल तो यहाँ से निकल चुका है, चलो मैं आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। और क्या यहाँ से निकल पाएगा मेरा जो ट्रेलर है? फिलहाल मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ, एक मिनट अब देख लेता हूँ मैं निकल पाएगा कि नहीं। निकल तो गया यार बहुत ही आसानी से। और भाई ये देखो धूल कितनी उड़ाता हुआ जा रहा है, ये देखो गाइस कितनी धूल उड़ रही है। मैंने कहा था ना भाई ऑफ रोडिंग का मैटर है, धूल तो उड़ेगी। और ये जो है भारी भरकम बहुत है ट्रेलर, तो भैया दिक्कत तो होगी ही। और पीछे से बहुत तेज़ी से बोला, और भाई आगे से भी धूल निकल रही है। देखो गाइस कितनी खतरनाक धूल उड़ा रहा है भाई, और मुझे आराम से लेकर के जाना पड़ेगा यहाँ से। मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किधर है मेरा रास्ता? ये रहा ये रहा। ओके 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 ओके, ट्रेलर मेरा सही जा रहा है, ओके सही जा रहा फिलहाल। तो मैं इधर से निकाल लेता हूँ। और भाई यहाँ पर ओ बाइकर्स आ गए हैं बेटे, संभाल करके ठोक मत दियो, आराम से जा। और ये देखो गाइस मेरा ट्रक, देखो
सामने से, अरे तू आराम से चल भाई, दोनों को साथ में गिराओगे तुम एक दूसरे को, और मुझे यहाँ से बहुत आराम से लेकर के जाना पड़ेगा। और ये निकल चुका है, अब ठीक है गाइज, मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ क्योंकि भैया यहाँ से संभालना बहुत मुश्किल है। और एक मिनट, ए भाई ये देखो, ये देखो, अंदर ना बैठने का नतीजा यही होता है कि मैं थक गया आगे से, दिक्कत बहुत सारी है भाई। आराम से थोड़ा और बैक करता हूँ, अब मुड़ा लेता हूँ, अब तो शायद निकल जाऊँगा मैं। लेकिन ज़्यादा करोगे तो आगे से ठुकोगे, और नहीं करोगे ज़्यादा तो भाई पीछे ये जो ट्रेलर है ये दिक्कत करेगा, ये निकल नहीं पाएगा। ये देखो कितना शोर शराबा कर रहा भाई। अगली बार हम इस ट्रेलर में जब भी वीडियो बनाएंगे जानवरों को ऐड करेंगे। और भैया फिर से एक और मोड़ आ चुका है, तो भैया मुझे आगे से संभाल करके और पीछे को भी देखते हुए निकलना पड़ेगा। और ये देखो गाइस, और भैया मैं आसानी से निकल तो गया यहाँ से। और ये देखो सामने, देखो गाइस ब्रिज हमारा आ चुका है, वो शायद गाड़ियों का है जो कार वगैरह होती हैं, व्हीकल वगैरह उनके लिए हैं, क्योंकि जो ट्रेन थी वो तो हमारी पीछे निकल चुका है उसका पुल। और भैया हम बहुत ही आसानी से यहाँ से रास्ते को पार कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि आगे जा कर के कहीं दिक्कत ना हो। और भाई यहाँ पे निकल तो गए हैं और धूल भी काफ़ी उड़ रही है। और भाई ये देखो कितना चमकदार मेरा ट्रक और ट्रेलर लग रहे हैं, और पीछे से मेरे जो पहाड़ी है वो भाई कितनी शानदार लग रही है। लेकिन भाई यहाँ से एक यू टर्न है, तो भैया यहाँ से संभालना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ से लेकर के चलना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई आराम से आराम से आराम से आराम से चलो चलो, ओ कोई आ मत जाना, लेकिन नहीं, बैक हो बैक हो बैक हो बेटे, बैक हो बैक हो बेटे, बैक हो बेटे, देख रहे हो गाइस ये खतरनाक रास्ते। लेकिन भाई ये यू टर्न है, यहाँ से कैसे निकला जाए, अभी तो आगे भी है भाई। एक काम करते हैं पीछे लेते हैं इसको, बैक हो आराम से आराम से आराम से, निकालना तो है, निकल जाएगा, निकलने को मैं निकाल दूंगा। लेकिन यार मैंने, ओह कहाँ जा रहा भाई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इधर उधर गिरे और मेरे जो ट्रक है उसको भी लेकर के फिसल जाए। एक मिनट, अब होगा ये, अब ठीक है। और भाई ये जाएगा या नहीं जाएगा यहाँ से, निकलेगा या नहीं निकलेगा, हाँ अब निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, फिर से बैक करो, अब करो, अब लेकर के चलो, अब इसका जो स्टेयरिंग है मुझे थोड़ा सा सीधे रखना पड़ेगा, मुड़ाना नहीं है। और एक टायर तो निकल गया लेकिन फिर फंस गया, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, निकल जा बेटे, नहीं चिंगारियाँ दे रहा है, चिंगारियाँ साला इधर से पीछे से, ओ भाई आराम से बैक कर, 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 बैक हो गया, बैक हो गया। ये देखो गाइस पीछे से भी ठुकरा है, आगे से भी ठुकरा है, और भैया बहुत ही खतरनाक जगह है ये यू टर्न, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे संभाल करके लेकर चलना पड़ेगा। और भाई यहाँ से निकल चुका है हमारा जो ट्रक है, बड़ी मशक्कतों के बाद यहाँ से ट्रक निकला है, और भाई मुझे अब आराम से चलना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ। और ये कौन सा जानवर भागा भाई, ये हिरन है क्या है भाई, ओए सामने से हट, कितनी तेज लेकर के जा रहा है यार ये। और पीछे से मेरा जो ट्रेलर है एक बार और देख लेता हूँ, फिलहाल तो सही चल रहा है। और भाई हम पहाड़ों के बीचों बीच लेकर के जा रहे हैं इस ट्रेलर को, पूरे ट्रक को। और भाई ये देखो कितनी धुंध उड़ा रहा है भाई, मैं 27-28
की स्पीड पर ही इस ट्रक को चला रहा हूँ, लेकिन सामने क्या है, सामने एक कार खड़ी है और भाई मेरा जो है रास्ता साफ हो चुका है जहाँ तक है मुझे उम्मीद। और भाई मैंने स्पीड बढ़ा ली है, 60 की स्पीड पर, 70 की स्पीड पर चल रही है भाई, क्या बात है यार, अब नहीं आएगा। ओ भाई ये क्या है, ये क्या मैटर है भाई, रोकूं क्या, एक मिनट भाई, कुछ पंगा हो गया है क्या, बता दियो। ये तो ऑफ राइडर है भाई, ऑफ रोडिंग करेंगे यहाँ पर। चलो इनको छोड़ते हैं, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो हमें लेकर के चलना है आगे की तरफ इस ट्रक को। और भाई ये देखो भाई, यही तो उम्मीद थी मुझे, मैं सोच रहा था कि आराम से ले जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं भाई मेरा दिमाग कहाँ कहाँ है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ओए 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 गिर मत जाइयो। ये देखो पीछे का जो टायर है वो उठ चुका है, और भाई ये जा पाएगा या नहीं, और गिर मत जाइयो यार, वरना कहानी ख़त्म हो जाएगी। और गाइस ये देखो अभी भी लटका हुआ है टायर, लेकिन भाई हमने निकाल लिया यहाँ से, अब मुझे ध्यान यहीं पर देना चाहिए। और भाई ये देखो मैं लेकर के आ गया यहाँ से बाहर को, लेकिन अभी और भी है भाई, इतने बड़े ट्रक को मैं लेकर के आया हूँ और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं यहाँ से निकाल भी पाऊँगा इसको। और ये लो, ओ ओ वेट 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 वेट, ये देखो भाई, इसका डर था मुझे, इसलिए तो मैंने कैमरा आउटर किया है ताकि मैं देख सकूं बाहर से। और ये भाई निकल गया यहाँ से भी, चलो ठीक है, मैं अब यहाँ से देख लेता हूँ क्या यहाँ से निकल पाएगा या नहीं। और भाई मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और ये क्या है भाई, गाइज हाईवे आ चुका है, और ये वही हाईवे है जिसके पुल की बात हम कर रहे थे इस वीडियो में। और भाई इसको हमें कहाँ लेकर के जाना था, हाँ इसको हमें अपने गैराज में लेकर के जाना था, गैराज में हम इसको खड़ा करेंगे। हमने एक परचेस की थी, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो परचेस की थी, तो वहाँ पर हम खड़ा करेंगे इसको। तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ मुझे निकलने दो। और गाइज ये देखो कितना बड़ा ट्रक ये लग रहा है, ओ भाई मजा आ गया यार। लाजवाब खतरनाक, लेकिन मेरा जो गैराज था यार वो तो पीछे निकल गया, मुझे मुड़ाना पड़ेगा क्या, शायद यहाँ पर तो मेरा जो गैराज था वो यहाँ पे है ही नहीं। गाइज मैं भूल चुका हूँ अपने गैराज को, कि मेरा गैराज किधर था। बहरहाल मैं एक काम करता हूँ, इसको मुड़ाता हूँ और उसके बाद मैं अपने गैराज की तरफ लेकर के चलता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और मुझे जो है भाई, रुक जाओ तुम सारे के सारे, रुक जाओ, रोक। और गाइज मैंने एक बार में ही अपने ट्रक को मुड़ा लिया है, और अब मैं लेकर के चलता हूँ अपने गैराज की तरफ, जहाँ पर मेरा जो ट्रक है ये खड़ा करना है। और भाई जल्दी चलो, हटो यहाँ से, सामने से हटो, हट जा बेटी चोद, हट नहीं रहा। और ये फिर बाइकर हमें मिल चुके हैं यहाँ पर, ओए सामने से हट जा रे, ट्रेलर लेकर के आ रहा हूँ मैं, बहुत भारी भरकम है। अभी ठुक जाता भाई ट्रक मेरा, सारी वीडियो का सत्यानाश करवाओगे तुम लोग। पीछे से ठुक तो हुआ आ रहा है शायद, वो आ रही है, ओ भाई पीछे से ये क्या हंगामा हो रहा है भाई पुलिस के साथ। और गाइज मैं अपने ट्रेलर को लेकर के आ गया हूँ अपने गैराज में, जहाँ मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी परचेज की थी,
और गाइज मुझे जो है लेफ्ट को मुड़ाना है, लेकिन उससे पहले मैं आउटर कैमरा और उसके बाद भाई मुझे जो है लेफ्ट लेकर के चलना है। रुक जाओ भाई, सामने से रुको, सामने से रुको, पीछे से तो रुके हुए ही हैं। तो भाई मैं जो हूँ मुड़ा चुका हूँ अपने। ओए किसने ठोका यार, बड़ा ही बेशरम इंसान है बेंचो यार, इधर को ठोकते हुए जा रहा है यार, बताओ बंदा। लो भाई मैं अपने प्रॉपर्टी में इस ट्रक को लेकर के आ चुका हूँ। ओ दिख नहीं रहा भाई, ओ हिरन जा रहा भाई, हिरन जा रहा भागते हुए। अरे चल निकल यार भाई, भाई ये शिकार करेगा ये लोंडा, देखो चीता शिकार करेगा भाई। और ये आ गए हैं भाई हम अपने गैराज में इस ट्रक को लेकर के। और गाइज हमारा जो ट्रक है वो आ चुका है, थोड़ा सा आगे और खड़ा कर देते हैं, बस बस। तो गाइज ये हो चुका है हमारा ट्रक यहाँ पर खड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी गाइज कि मैं जो हूँ इस ट्रक को यहाँ पर ले आ पाऊँगा या नहीं, तो ये बहुत ही आसानी से आ चुका और ये काफ़ी बड़ा ट्रक यहाँ पर मैंने ला करके खड़ा कर दिया और ये देखो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक से ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।